हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम डिफेंस के तीन अपडेट्स की बात करेंगे और इसमें नंबर वन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग, जिसे 18 अक्टूबर यानी आज से ठीक दो दिन पहले इसे हमारे स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से टेस्ट फायर किया गया अरेबियन सी में, और इसने बखूबी अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय किया। ब्रह्मोस इस चीज़ के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। हमारा ब्रह्मोस आप सब जानते होंगे कि पूरी दुनिया का फास्टेस्ट एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, और इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये 200 से 300 किलो वॉरहेड के साथ में किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, हिट करता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से 32 गुना ज़्यादा होती है, 32 टाइम्स मोर देन टॉम हॉक क्रूज मिसाइल ऑफ USA। यानी जब ये टकराता है तो इसका इम्पैक्ट इतना डेडली होता है कि शिप दो टुकड़ों में बट जाता है, और ये एकमात्र दुनिया का ऐसा मिसाइल है जो ऐसा कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए हमारा दो या मैक्सिमम तीन ब्रह्मोस काफ़ी होगा उसे जल समाधि देने के लिए। इस बार की टेस्टिंग भी इसके रेंज को लेकर ही हुई थी। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है आज से कुछ दिनों पहले, जब इसके लैंड वर्जन की टेस्टिंग हुई थी उड़ीसा से, और उस समय भी इसके रेंज को ही टेस्ट किया गया था, जब इसे बढ़ाकर तकरीबन 500 किलोमीटर किया गया और इसने बखूबी 500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट किया, डिस्ट्रॉय किया। और इस बार भी इसके शिप लॉन्च्ड ब्रह्मोस को टेस्ट किया गया है, और इस बार भी इसने 500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी डिस्ट्रॉय किया। तो ये है हमारा ब्रह्मोस, और पूरी दुनिया से डरती है, और ये अपने आप में ऐसा एकलौता मिसाइल है जिससे हमारे पड़ोसी, जो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं चीन और पाकिस्तान, वो बहुत सहमे सहमे रहते हैं इस मिसाइल को लेके। तो चलिए दोस्तों, ये बात थी हमारे ब्रह्मोस की। अब हम दूसरे अपडेट की तरफ आते हैं, और वो है चीन को लेके। चीन यानी चाइनीज PLA की बैंड बजी हुई है, और उनकी जो हालत है उनके सैनिकों की, वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है लद्दाख में। अभी कुछ दिनों से ऐसी खबर आ रही है कि उनकी हैवी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं और उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है लद्दाख से, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में जा चुका है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। और चूंकि हम सबको पता है कि PLA के सैनिक कितने स्ट्रांग हैं, कितने मजबूत इरादे वाले हैं, तो उनकी हालत तो ख़राब होनी ही थी। हमारे सैनिकों की तरह वो ना तो उनके हौसले इतने बुलंद हैं और ना ही वो इतने मजबूत हैं कि वो इन ठंड का सामना कर सकें, तो इसीलिए काफ़ी सारे सैनिक उनके हताहत हो रहे हैं और वो वापस चीन को प्रस्थान कर रहे हैं। तीसरी अपडेट हमारे 20 सैनिकों को लेके है, जिन्होंने गलवान वैली में चीन की सेना को अच्छी तरह कूटा था और तकरीबन 100 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, और उसके बदले हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। तो उनके याद में वॉर मेमोरियल बनाया गया है ईस्ट लद्दाख में, और उनके नाम वहाँ पे दर्ज किए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो मेमोरियल है ये लद्दाख का है, और इसके बाद एक निर्णय और लिया गया है भारत सरकार और MOD की तरफ से कि इन 20 शहीदों के नाम हमारा जो नेशनल वॉर मेमोरियल है दिल्ली में इंडिया गेट के पास, वहाँ भी इनके नामों को लिखा जाएगा, और हम सब भारतीय उनको हमेशा याद रखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 15 जून की रात को कयामत बरसाया था चाइनीज PLA सैनिकों के ऊपर। तो ये बात थी हमारे 20 सैनिकों की, और हमारे सैनिक कितने वीर हैं, कितने बहादुर हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर एक लिमिटेड वॉर होता है चीन के साथ, तो उनकी क्या हालत और क्या दुर्दशा होगी, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे।
इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।